हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहे, मुझे इतना ही प्यार दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। सो, आज जो रीडिंग करने वाले हैं हम लोग वो है व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन लव। यानी कि इस रीडिंग में हम लोग सिचुएशन को चेक करेंगे। हम किसी भी आपके पार्टनर का या आपका एनर्जीज नहीं देखेंगे। हम सिर्फ रिश्ता जो रिलेशनशिप चल रहा है उस चीज़ को हम चेक करेंगे और हम देखेंगे कि क्या होने वाला है, क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, मुझे बहुत पसंद है। इट विल बी अ जनरल रीडिंग, हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है, मेरे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे इसी सेम टॉपिक पे रीडिंग है, आप चेक कर सकते हैं। अगर वो सब देख लिया तो ये वाला आपको देखना ही पड़ेगा। अगर ये वाला भी देख लिया तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट इसी टॉपिक पे जब रीडिंग आएगा अगले हफ्ते। यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकता है। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। रोल्स रिवर्स इसलिए बोला क्योंकि हम सिर्फ रिश्ता देखेंगे, तो रिश्ते में जिसका जो भी पोजीशन है उस हिसाब से आप इसको लीजिएगा। ओके, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, तो रीडिंग में हम जाएंगे। बट रीडिंग में जाने से पहले हमेशा की तरह मैं कोई ना कोई सवाल आप लोगों से पूछता ही रहता हूँ। तो आज का जो सवाल है आप लोगों के लिए वो ये है। ओके, सो अपना इंट्यूशन का यूज़ कीजिए और इंट्यूशन का यूज़ करके आप मेरे को बताइए कि अगले हफ्ते तक क्या बारिश होने के चांसेस है। आप अपने अपने इलाके के हिसाब से बोलिएगा, क्या आपको लगता है आपके स्टेट में या फिर आपके इलाके में अगले हफ्ते तक बारिश आएगा या नहीं। इंट्यूशन पावर का यूज़ कीजिए और मेरे को आंसर बताइए कमेंट्स में कि क्या आपको लगता है बारिश होने के चांसेस है नेक्स्ट वीक तक, हाँ या ना। ओके, तो ये क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। तो अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्ड्स को थोड़ा सा हम शफल कर लेते हैं। थोड़ा सा कार्ड को शफल कर लिया। ओके, वी आर गेटिंग द कार्ड्स, बट मैंने कुछ अनाउंस नहीं किया था तो जंप करके आए तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। आई नो यू गाइज आर सो एक्साइटेड टू सी द रीडिंग्स, दैट्स वाई इतना ज़्यादा एनर्जी का कनेक्शन है। ओके, सी अगेन। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि रीसेंट पास्ट में क्या हुआ है। ओके, लेट्स सी कि रीसेंट पास्ट में क्या हुआ है। What happened in the past? Let's see. Recent past में क्या हुआ है? Let's see. Oh, okay. We got the card for recent past. अब हम देखेंगे present, यानी कि अभी का situation क्या चल रहा है वो हम देखेंगे। Let's see what is the present situation currently. Let's see what is the present situation currently. What is the present situation? Wow. Okay. अब हम देखेंगे the future. हम ये सब cards को explain करेंगे और बताएंगे. Okay, we got the future. वाओ, इसको ढक के रखता हूँ मैं। ओके, सो जो रीसेंट पास्ट में मैं देख रहा हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो रीसेंट पास्ट में आई थिंक आप दोनों के ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को एक तरह से एक नाम मिला है। हो सकता है दोनों को ही समझ में आया है कि हम दोनों एक दूसरे के फैमिली के लिए बने हैं, या फिर हो सकता है आप दोनों को लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के
फैमिली में शामिल हो सकते हैं या एज अ फैमिली आप दोनों बहुत अच्छे हैं. दिस रिलेशनशिप कुड बी अ वेरी स्टेबल रिलेशनशिप, ऐसा आपको फील होता है और ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान मेरे ज़िंदगी में रहते हैं तो ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत हो सकता है फ्रॉम अ फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई दिस टेन ऑफ पेंटिकल्स. रिसेंटली ये चीज़ हो रहा है आप दोनों के बीच में ही या इस रिश्ते के अंदर. लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई दिस टेन ऑफ पेंटिकल्स. व्हाई दिस टेन ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, why why and why we got one card. Okay, the second card. wow, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि आई थिंक आप दोनों को ही एक दूसरे के अंदर स्टेबिलिटी दिख रहा है, आप दोनों को ही इस रिश्ते के अंदर स्टेबिलिटी दिख रहा है. Ten of Pentacles been clarified by Ace of Pentacles and Eight of Pentacles. Pentacles, Pentacles and Pentacles. So I can see very solid किस्म का एक relationship, बहुत ही stable किस्म का relationship और past में हो सकता है या तो आपने या फिर आपके partner ने या फिर आप दोनों ने ही ये decision लिया है कि नहीं अब से हमें चीज़ों के अंदर relationship के अंदर एफर्ट्स एंड एनर्जी डालना चाहिए, चाहे वो पुराने इंसान के साथ हो या फिर किसी फ्रेश इंसान के साथ. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. ये मैं सिर्फ रिलेशनशिप का स्टेटस बता रहा हूं आज कि क्या होने वाला है. तो यहां पे एक्स नेक्स्ट वाला कोई सीन नहीं है. इट कुड बी योर एक्स ऑल्सो, इट कुड बी अ नेक्स्ट पर्सन ऑल्सो. सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. बट आई कैन सी बोथ ऑफ यू आर ट्राइंग टू पुट द एफर्ट एंड एनर्जी इन टू द सिचुएशन. साथ ही साथ में आई थिंक कोई एक दूसरे सामने वाले इंसान को एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हैं. बोथ ऑफ यू आर थिंकिंग अबाउट न्यू बिगिनिंग, न्यू लाइफ, फैमिली किस्म का लाइफ. सो मे बी मैरिज भी हो सकता है, मैरिज किस्म का प्रपोजल, लाइफ टाइम, लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप किस्म का प्रपोजल भी हो सकता है. ओके, सो आई कैन सी वेरी वेरी गुड हाई चांस ऑफ स्टेबिलिटी. इसी का सेम कनेक्शन आता है प्रेजेंट सिचुएशन में, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. आई थिंक आप दोनों को ही एक तरह से रिश्ते के अंदर बैलेंस मिल चुका है, आप दोनों को ही समझ में आ गया है कि रिश्ता अगर मेरे को स्टेबल करना है तो उस रिश्ते के अंदर इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक इंसान थोड़ा कम इंडल्ज्ड है, दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा इंडल्ज्ड है, इस तरह से रिलेशनशिप नहीं चलेगा. सो आप दोनों को ये समझ में आ चुका है कि थोड़ा थोड़ा करके अगर मैं ब्रेड क्रम्स की तरह थोड़ा सा रिलेशनशिप दूँ उससे कुछ होगा नहीं. सो हम दोनों को प्रॉपर तरीके से रिश्ते के अंदर रहना पड़ेगा, इक्वल गिव एंड टेक में रहना पड़ेगा. सो बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें हैं. सो या प्रेजेंटली आई थिंक यू बोथ ऑफ यू आर इन अ वेरी स्टेबल एंड इन अ वेरी बैलेंस्ड किस्म का मेंटालिटी एंड थॉट्स. लेट्स क्लैरिफाई दिस सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. लेट्स क्लैरिफाई दिस सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. व्हाई दिस सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इज हियर. लेट्स सी. ओके, सो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बीन क्लैरिफाइड बाय टेन ऑफ वॉन्स and the tower. boom, wow. so past में आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा tension था. हो सकता है past में कोई एक आप दोनों में से कोई एक शायद ये रिश्ता एक तरह से drop करके या आपको अचानक से ही आपसे बात करना बंद कर दिया या फिर हो सकता है family के pressure से शायद रिश्ते में कुछ अनबन हुआ है या फिर स्टेबिलिटी इशू था. कोई एक ऐसा सिचुएशन जहां पे आप दोनों में से कोई एक ने रिश्ते को एक तरह से ड्रॉप कर दिया था और बहुत ही बर्डनसम, बहुत ही ज़्यादा हैवी वो सिचुएशन हो गया था. बट करेंटली प्रेजेंटली आई कैन सी सडन एंड अनएक्सपेक्टेड तरीके से, बहुत ही ऑल ऑफ द सडन आप दोनों को समझ में आ गया है कि रिश्ता इस तरह से नहीं चलेगा. रिश्ते को चलाने के लिए दोनों को ही मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है, रिश्ते में बैलेंस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रपोजल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सामने वाले इंसान को एज अ फैमिली की तरह ट्रीट करना ज़रूरी है.
मेहनत करना ज़रूरी है फाइनेंशियली भी एंड रिश्ते के अंदर भी, एफर्ट्स एंड एनर्जी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड साथ ही साथ में कोई भी सिचुएशन जो कि बर्डनसम हो उस सिचुएशन को ड्रॉप कर देना ज़रूरी है। तो आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बन चुके हैं जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और बिकॉज ऑफ दिस मैच्योरिटी आई थिंक समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विद अ वेरी वेरी स्टेबल ऑफर, और हो सकता है आप किसी सामने वाले को एक्स और नेक्स्ट वॉट एवर इट इज़ उनको एक बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप ऑफर करें। तो स्टेबिलिटी इज़ कमिंग, न्यू बिगिनिंग इज़ कमिंग, फैमिली लाइक सिचुएशन इज़ कमिंग, सो इट्स वेरी गुड रीडिंग टिल नाउ। ओके, अब जो फ्यूचर है, फ्यूचर में हम देख रहे हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो किस्मत का पहिया घूमने वाला है टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, किस्मत का पहिया घूमने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कुछ होने वाला है। आप दोनों के रिश्ते के अंदर जो भी नेगेटिव 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 चल रहा था वो सब पॉजिटिव 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 होता जाएगा, यूनिवर्स ने पहिया घुमा दिया है। सो आई कैन सी अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल पॉजिटिव आउटकम इन द फ्यूचर। लेट्स क्लैरिफाई दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, क्यों व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, लेट्स सी Why this wheel of fortune is here? Let's see. कुछ drastic change होने के chances है Tower and wheel of fortune. There is a huge transformation. कुछ बहुत बड़ा धमाकेदार एक कुछ change होने के chances है. Let's see. Let's clarify this wheel of fortune. क्या धमाकेदार परिवर्तन होने के चांसेस है, लेट्स सी। व्हील ऑफ फॉर्चून बीन क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ वाओ। सो बंजर रूखा सूखा जो जमीन है उस जमीन के अंदर हरियाली आने वाला है, ओके? जहां पे आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट 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 चलता था, अब वहां पे प्यार का एंट्री होने वाला है। जहां पे रिश्ते के अंदर स्टेबिलिटी नहीं था, क्लैरिटी नहीं था, रिश्ता बहुत ही ज्यादा हिडन था, ओके, मिस्टीरियस था, हिडन था, उस जगह पे क्लैरिटी आ रहा है। एंड इन द फ्यूचर आई कैन सी इट विल बी क्लियर कट एनर्जी फ्रॉम बोथ ऑफ योर साइड, दोनों ही आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होने वाले हैं मेंटली फाइनेंशियली रिलेशनशिप वाइज, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनने वाले हैं, रिश्ते के अंदर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा होगा, साथ ही साथ में रोमांस बढ़ेगा और बहुत ही खूबसूरत सा वक्त आने के चांसेस हैं, ओके, ऑल ऑफ द सडन। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, वेरी सून समथिंग लाइक दिस इज़ गोइंग टू हैपन, समथिंग पॉजिटिव इज़ गोइंग टू हैपन। आप दोनों ही बहुत स्टेबल बन जाएंगे, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग एंड ग्रोइंग एक पोजीशन पे चले जाएंगे, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी क्लैरिटी नहीं मिल रहा था वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल आउटकम, सो कंग्रेचुलेशंस गाइज। मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगा, बट इट्स अ ब्यूटिफुल रीडिंग, ओके। अब हम देखेंगे साइंस, अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे। लेट्स सी द साइंस, इट कुड बी योर साइन, इट कुड बी देयर साइन। We are connected. Okay. Cancer. Aries, Leo, Sagittarius. Aries, Leo, Sagittarius. Cancer, Pisces, Scorpio. Gemini, Libra, Aquarius. Cancer, Pisces, Scorpio. Cancer, Pisces, Scorpio. तो मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, Cancer, Pisces, Scorpio. Aries, Leo, Sagittarius. जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो ज़्यादा, एरीज लियो सजिटेरियस उससे थोड़ा सा कम, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस बहुत ज़्यादा कम, एंड कैंसर, स्पेसिफिकली कैंसर।
ओके, नाउ हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या स्पिरिचुअल मैसेज है इन दिस सिचुएशन. यूनिवर्स क्या स्पिरिचुअल मैसेज आपको देना चाहते हैं इन दिस सिचुएशन. लेट्स सी द स्पिरिचुअल मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स. वाओ, मेरा रीडिंग यूजुअली गलत नहीं होता. मैं दिखाता हूं क्यों. हाँ, सी, वाओ, वाओ, ओके. फोर ऑफ वंड, शादी. मैंने क्या बोला आपको, स्टेबिलिटी आने वाला है, कमिटमेंट आने वाला है, फैमिली लाइक वाइब आने वाला है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आने वाला है. सी, यूनिवर्स का स्पिरिचुअल मैसेज में भी वही चीज आया है. आपका शादी होने वाला है, कंग्रेचुलेशंस, गिफ्ट्स मिलने वाला है. ओके, सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेजेस विच आई एम गेटिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, के आपको बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट मिल सकता है, हो सकता है जो आपका चाहने वाला जो इंसान है वो आपके तरफ आए. अगर रिकॉन्सिलिएशन का प्रॉब्लम है तो रिकॉन्सिलिएशन भी होने के चांसेस है. लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप का ऑफर मिलने के चांसेस है. एंड एक छोटा सा गाइडेंस मैं आपको दे देता हूँ. मैं जानता हूँ कि बिकॉज ऑफ द पास्ट आपके मन के अंदर, आपके दिल के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है. जब बहुत ज़्यादा अच्छा अचानक से होना शुरू होता है तो मन के अंदर थोड़ा खटकता है कि क्या ऐसा सच में होगा या फिर से नेगेटिव चीज़ होने के चांसेस. सो डोंट क्रिएट दिस काइंड ऑफ नेगेटिव सिनेरियोस. अगर कुछ पॉजिटिव हो रहा है तो उसको होने दीजिए, उसको ब्लॉक मत करो अपने नेगेटिव ख्यालों से, अपने नेगेटिव थॉट्स से, क्योंकि अगर आप उसको ब्लॉक कर देंगे तो वो फ्लो नहीं कर पाएगा प्रॉपर तरीके से. ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर नॉट ब्लॉकिंग ब्यूटिफुल एनर्जीज जो कि आपको मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से. आई कैन सी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप. डरो मत, पॉजिटिविटी रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा. अरे शादी तो होगा इसके साथ ना, सही किसी और के साथ तो हो जाएगा ना. खुश रहो, सो एवरीथिंग विल बी फाइन. ओके, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल आउटकम, सो आई एम वेरी हैप्पी. सो कैसा लगा आज का रीडिंग, ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा. और अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जल्द से जल्द हम 20,000, कम से कम 20,000 सब्सक्राइबर्स तो बन सके. वो तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे. सो ये था आज का रीडिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.